दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30x40 का एक मॉडर्न हाउस डिजाइन। अगर आप भी ऐसा मॉडल चाहते हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक पेड यूजर थे, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था और इस तरीके का मैं एक मॉडल और क्रिएट कर चुका हूँ। उसी मॉडल को उन्होंने देखा होगा और उन्हें बहुत पसंद आया, उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन सा प्लान होने वाला है अगर आप इस मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। इसका जो एरिया है 30x40 30x40 फुट में बना हुआ है और काफी बेहतरीन मॉडल है। इधर मैंने 2 से 2.5 फुट जगह छोड़ी थी और इसके पीछे लेट बाथ इधर बना है, तो बहुत ही प्रॉपर वेंटिलेशन का यहाँ पर प्रॉपर ध्यान दिया गया। उनके पास बहुत सारी जगह थी तो उसी को देखते हुए इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया। आज हम इसी मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस मॉडल को चाहते हैं क्रिएट करना तो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए। तो चलो आज का मॉडल है उसे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जूम करके हम इस मॉडल को दिखाना चाहेंगे फ्रंट इसका एलिवेशन। तो मेन एंट्री यहाँ से है जहां से कार पार्किंग करना चाहते हैं। इसके बाद ये बाउंड्री आपको मिलता है। बाउंड्री का डिजाइन देखिएगा, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, अलग अलग डिफाइन किया है मैंने, आप देख सकते हैं। इधर का अगर साइड की बात करें तो इधर भी मॉडल आप देख सकते हैं, टॉप व्यू आप ऐसा देखेंगे। और ये जो स्टेयर केस है वो बाहर मैंने क्रिएट किए हैं, आप देख सकते हैं बाहर की तरफ बिल्कुल ओपन मकान है आपको देखने को मिलेगा। और ये आपकी बेहतरीन सी ग्रिल वगैरह मैंने बनाई है, पूरा भी डिफाइन करने वाले हैं। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे दोस्तों इसे ग्राउंड फ्लोर आप जाएंगे तो यहाँ से मेन डोर यहाँ से एंट्री करेंगे और इसके बाद ये मेन डोर से ये दोस्तों आपको ये डिटेल जो दिख रही है फर्स्ट फ्लोर का है, इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद ये पूरा कार पार्किंग का स्पेस मिलता है। इधर आपको दोस्तों एक पिलर देखने को मिलता है जिससे जब आप ऊपर छत पर जाएं बनाएंगे तो ऊपर सपोर्ट प्रॉपर मिल सके, ये देख सकते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलता है लगभग 6.5 फीट का, इसमें आप इसे पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करिएगा। इधर लेकिन कॉर्नर पर आपकी स्टेयर्स बनी हुई, इधर चढ़ेंगे टर्न होंगे और आप छत पर पहुंचेंगे। इधर सपोर्ट के लिए दोस्तों मैंने एक पिलर दिया है, हालांकि यहाँ पर जगह कम है। अगर पिलर आपका 9 इंच का ना बन सके, छोटा ही बनाइए, सपोर्ट के लिए मैंने दिया। अगर पॉसिबल है तो बनाइएगा, नहीं कोई इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पूरा जो स्टेयर्स है ये आपका इस वाले वॉल में टिका होगा। इसके बाद इसी से नीचे से आपकी रास्ता है दोस्तों, क्योंकि पीछे और कहीं स्पेस नहीं बच रहा है तो इसी के स्टेयर्स के नीचे से होकर ही जाना होगा। और स्टेयर्स बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो टर्न है जहां से मोड़ना है आपको, वहां पर 6 फीट हाइट पकड़ ले तभी आप टर्न करें, क्योंकि इसके नीचे से गुजरना है, क्योंकि इधर स्पेस मैंने दिया है तो 6 फीट एटलीस्ट होना चाहिए। और इसके बाद इधर आपका ये स्पेस है और सबसे कॉर्नर पर आपकी एक लेट बाथ मैंने क्रिएट कर दी है। इधर स्पेस के लिए जहां पर आपका अब जो बेडरूम्स वगैरह उस पर मैंने यहाँ पर विंडोज दी है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, अभी आपको समझ में और आएगा प्रॉपर से। जो मेन एंट्री इसकी होने वाली है दोस्तों, इधर कार पार्किंग है, यहाँ से होने वाली ये इसका मेन डोर है जहां से एंट्री। इधर भी एक बेडरूम है देख सकता, इस बेडरूम में मैंने विंडो दिया, यहाँ पर डोर नहीं दिया, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये मेन डोर है, आप अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद आप इसे आंगन में पहुंचते हैं। इस आंगन से जो आपके साइड के 2 बेडरूम थे, दोनों बेडरूम में देखिएगा रास्ता आपको डोर मिल जाते हैं अंदर से ही। इसके बाद ये आपका किचन एरिया है, इस किचन में मैंने एक डोर और विंडो दिया है प्रॉपर। और इस बेडरूम में जाने के लिए भी यहाँ से डोर है। और इसके बाद ये दोस्तों आपका जस्ट सामने बाथरूम है और ये किचन है, बट किचन को मैंने जो एक्सेस दिया है, डोर दिया है, वो वहां से ना देकर कार पार्किंग की तरफ से सिर्फ एक्सेस दे दिया है। आप अपने लेट जो भी आपका टॉयलेट बनेगा वो आप कार पार्किंग से एक्सेस करेंगे। इसका इधर वेंटिलेशन के लिए भी प्रॉपर जगह दी है और इधर भी आपका एक लेट मैंने बना दिया है इमरजेंसी के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट भी है, बनाना चाहते हैं कि नहीं। तो ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर बनकर आपका रेडी होता है। मैं आशा करता हूँ सारी चीजें आप समझ गए होंगे। जिन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया तो मैं उसे उनको 2D प्लान ऑलरेडी दे चुका हूँ, सारी डिटेल ज्यादा था, और अभी और उनको जो कुछ बाकी है देना मैं दे दूंगा। अगर आप भी ऐसे मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, साथ साथ दोस्तों मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। अगर आप घर की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। वहां पर A to Z जानकारी मिलती है, कैसे कितना मटेरियल लगेगा और कितना कॉस्ट लगेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर रेटिंग भी दीजिएगा अगर आपको एप्लीकेशन अच्छा लगता है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग पॉजिटिव रेटिंग ही देंगे जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मॉडल का ग्राउंड फ्लोर था, अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की।
तो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही दोस्तों स्टेयर से देखिएगा आप बाहर से ही पहुंचेंगे यहाँ पर 3.5 फुट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल, और इधर आपका ये जो बेहतरीन से ग्रिल का डिजाइन था ये देखिए ग्रिल का और ये आपकी रेलिंग का कलर कॉम्बिनेशन के साथ ग्रिल और रेलिंग मैंने बनाई है। इधर सिंपल सी ही रेलिंग, बस ध्यान ये रखना है लीड बात की तरफ से मैंने थोड़ा सा लगभग 1.5 फीट आगे बढ़ाया है छत, इसमें लीड बात भी पानी बरसात है पानी वगैरह ना जाए बचा रहे। हालांकि इधर तो इस जो आपकी विंडोज है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको देखिए वेंटिलेशन कह रहा है धूप से या पानी से बनाने के लिए उस चीज क्रिएट कर रखी है। तो ये ओवरऑल बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी होता है 30x40 में, देख सकते हैं दोस्तों 40 फिट का फ्रंट है और 30 फिट की गहराई है जिसकी पूरा मकान बना हुआ है बेहतरीन सा। तो ये मॉडल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, आप हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक सभी पर फॉलो जरूर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है वहां पर भी विजिट करिएगा, आपको बहुत सारे घर के नक्शे मिलेंगे अलग अलग किस्म के अलग अलग डिजाइन के, तो वहां पर एक बार विजिट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।